ऑनलाइन चल रही क्लास में आप सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ रहे थे, हमने ईशावास्य उपनिषद के 8 मंत्रों की व्याख्या पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब ये 9वां मंत्र है। इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग के माध्यम से व्यक्ति पूर्व में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इन सब बातों की जानकारी करता है। और कर्म मार्ग में इन सब कर्तव्य और अकर्तव्य के द्वारा प्राप्त की गई जो व्यवहारिक बातें हैं उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करता है। क्योंकि कर्मनिष्ठ व्यक्ति ही कर्म के द्वारा इस संसार में अपना सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत मंत्र है, अंधंत में प्रविशंति ये अविद्यामुपासता ततो भूये इव ते तमो ये विद्यायाम रता। अर्थात अंधम, अंध कहते हैं अंधकार को, और अंधकार से अभिप्राय यहाँ पर है अज्ञान। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशंति क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अर्थात जो अज्ञान में से निकलना नहीं चाहते, जो अज्ञान में ही गर्त हो जाते हैं, जो अज्ञान में ही क्या है डूबे रहते हैं, ऐसे लोग अविद्याम उपासते। अविद्याम, अविद्या यहाँ पर भौतिक विद्या के लिए कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति केवल भौतिक विद्या की उपासना करते रहते हैं, अर्थात सांसारिक इस चकाचौंध की दौड़ में ही दौड़ते रहते हैं। इसके अलावा ये सृष्टि क्या है, किसने बनाई है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ, इन सब बातों को वो लोग क्या है भूल जाते हैं। तभी ऋषियों के द्वारा जो वेद मंत्र में कही गई बात है कि ये अविद्याम उपासता, ये मैंने जो, क्योंकि यहाँ कोई धर्म का मत पंथ संप्रदाय की वर्णन नहीं किया गया, अपितु मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहा गया है, ये मैंने जो, ये बहुवचन है प्रथमा का। जो व्यक्ति अविद्याम उपासते अर्थात अज्ञान की इस भौतिक विद्या की ही उपासना में इसमें रत रहते हैं, इसी में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं अंधंतमय प्रविशंति। अंध कहते हैं अंधकार को, और तम भी अंधकार को ही कहा जाता है। तो 2 शब्द देने से अभिप्राय है यहाँ पर क्या है, प्रेशर दिया गया है, जोर दिया गया है, अर्थात में अत्यधिक गहन अंधकार में, अर्थात अत्यधिक अज्ञान के मार्ग में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और ततो भूय इवते तमो, ततः मैंने इनसे भी ज्यादा, भूय मैंने फिर से, तमो उपासते, जिन व्यक्तियों को ये पता है कि मार्ग कौन सा है, जाना किस मार्ग पर है, ऐसे व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ करके फिर उससे भिन्न मार्ग पर जाते हैं। ततः, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मैंने उससे भी भिन्न, जिन व्यक्तियों को पता है, क्योंकि 2 प्रकार की बातें कही गई हैं। एक वे व्यक्ति जिनको कि इस चीज़ का पता ही नहीं है कि होता क्या है, दूसरे वे व्यक्ति जिनको सब पता है कि करना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर ऐसे व्यक्ति भी सब कुछ जानते हुए भी मान लो फिर भी वे अज्ञान की अविद्या की उपासना करते हैं, तो वेद मंत्र में कहा कि ऐसे व्यक्ति तो भूये इवते तमो, वे फिर से और ज्यादा गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि जो व्यक्ति कैसे हैं जानते न जान, क्योंकि भगवान तो दोनों ही चीज़ों का, दोनों कर्मों का ही फल देता है, कोई जानबूझ के करे या अनजाने में करे, लेकिन अंतर है। एक व्यक्ति को किसी वस्तु की जानकारी नहीं है तब वो भूलवश कोई गलत काम करता है, परिणाम उसका भी मिलेगा, फल उसका भी मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म
नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी वो ऊपर से दिखावा अच्छाई का करता है और अज्ञान की उपासना में ही निरंतर लगा रहता है, इस भौतिक चकाचौंध की दौड़ में ही दौड़ लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति तो और ज़्यादा गहन अंधकार में प्रवेश कर जाता है, अर्थात इस जीवन के आवागमन के चक्कर में, इस जन्म मरण के बंधन में क्या है वो निरंतर अंदर ही अंदर रत होता चला जाता है। इस जीवन मरण के चक्कर में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि फिर उसको मैं क्यों, परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो केवल मात्र अपनी भौतिक लिप्साओं की पूर्ति के लिए ही इसमें दौड़ लगाता रहता है। तो वेद मंत्र कहता है कि जिनको नहीं पता, अगर वे भी केवल भौतिक विद्या की उपासना में लगे रहेंगे, केवल अज्ञान की उपासना में लगे रहेंगे, फल की प्राप्ति उनको भी होगी, और जिनको पता है जानबूझ करके जो ऐसा करते हैं उनको तो और भी अधिक अज्ञान में अविद्या के गर्त में पड़ना पड़ेगा। इसलिए वेद मंत्र का संदेश है कि हे मानव, तू उस सृष्टि रचयिता के द्वारा जिसने इस संसार का निर्माण किया उसको जान करके, उसके द्वारा बताए गए वेद विद्या के मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग को मत अपनाओ, यही इस वेद मंत्र का सार है। आगे के मंत्र की व्याख्या अलग है जिसको कि हम कुछ देर के बाद ही पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।